जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हैं या फिर सीटेट पेट सभी प्रकार के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, और उनके लिए दोस्तों हमने यूपीएसआई के लिए मूल विधि की भी काफ़ी क्लासेस हमने दे चुके हैं। ठीक है, आपको पता है हमने साइबर अपराध के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ मिल जाएगा मिशन यूपीएसआई के नाम से। ठीक है, उसे जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझाया वहाँ पर, और भी चीज़ें जैसे जनहित याचिका हो गई, ठीक है, और आरटीआई के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, उसे पढ़ लीजिए जाके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको पता है कल हमने आदिकाल के विभिन्न कवि और उनकी रचना देख चुके थे, आज देखेंगे हम भक्ति काल से संबंधित रचनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट, भक्ति काल से संबंधित रचनाएं देखेंगे और उनके रचनाकार भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए पहला है मृगावती दोस्तों, ठीक है, रचना का नाम क्या है मृगावती। आपको पता है कि ये 1501 ईस्वी में लिखी गई थी, और किसके द्वारा, कुतुबन के द्वारा। किसके द्वारा, मृगावती कुतुबन के द्वारा। दोस्तों आपको पता है कि मृग कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, वन में, ठीक है, तो याद रख लेंगे मृगावती कहाँ, कुतुबन के द्वारा लिखी गई है ना। मृग कहाँ पाए जाते हैं, वन में, ठीक है। चलिए वन में इसका होता है जंगल, ठीक है। चलिए अगला है मधुमालती, मधुमालती दोस्तों, ठीक है, क्या मधुमालती, ये कब लिखा गया तो आपको पता होना चाहिए 1545 ईस्वी में लिखा गया, ये अवधी भाषा में लिखा गया, 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया, और इसको किसने लिखा है, मंझन जी ने, ठीक है, मधुमालती दोस्तों मंझन जी ने लिखा है। और वही बात करते चंदायन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों प्रथम सूफी रचना है, किसकी है, मुल्ला दाऊद की। चंदायन दोस्तों किसकी है, मुल्ला दाऊद जी की है चंदायन, ठीक है, याद रखेंगे चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की। और आपको बता दें ये 1379 ईस्वी में लिखी गई थी, अवधी भाषा में ये भी लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, 1379 ईस्वी में अवधी भाषा में ही लिखा गया है। चलिए अगला है हंसावली, हंसावली किसकी है तो आपको पता 1370 में लिखा गया दोस्तों, असाइत जी की है दोस्तों, किसकी, असाइत जी की है हंसावली, और राजस्थानी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सत्यवती कथा, किसकी है, ईश्वरदास जी की, किसकी दोस्तों, ईश्वरदास जी की है सत्यवती कथा दोस्तों, किसकी, ईश्वरदास जी के, अवधी भाषा में लिखी गई 1501 ईस्वी में। चलिए अगला है चित्रावली, किसकी है चित्रावली, किसकी है, उस्मान जी की दोस्तों, किसकी है चित्रावली, किसकी है तो उस्मान जी की है, याद रखेंगे बहुत ही अच्छी रचना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, 1613 ईस्वी में लिखी गई है। चलिए और वहीं बात कर लें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर चित्रलेखा, ये सभी के सभी किसकी हैं, आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की, किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और आपको बता दें इससे ये सभी सभी दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई, क्योंकि अवधी के ये प्रकांड विद्वान थे दोस्तों, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी भाषा में सारी रचनाएं ये करते थे। चलिए अगला है ज्ञान द्वीप दोस्तों, ये किसकी है तो शेख नबी जी की है। वही इंद्रावती अनुराग बासुरी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नूर मोहम्मद, ठीक है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है तो नूर मोहम्मद जी की है। और वहीं अगली बात कर लें ढोला मारूरा दुहा दोस्तों, किसकी है तो कल्लोल कवि की है, किसकी है, कल्लोल कवि की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं माधवा नल काम कंदला, किसकी है तो गणपत जी की है। और वहीं बात कर लें भक्तमाल नाभादास जी की, प्रथम जीवनी ना भक्तमाल अष्टायाम दोस्तों किसकी है, नाभादास जी की है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल पूछा जाता है। अगला है सिद्धांत पंचमात्रा, किसकी है तो राघवानंद जी की है। वही बात कर लें ज्ञान तिलक रोमावली प्राण संकली, किसकी है तो गोरखनाथ जी की है, ठीक है, गोरखनाथ आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला है बीजक दोस्तों, आपको पता है कि बीजक किसका संग्रह है, साखी सबद रमैनी और ये कबीरदास की है। आपको पता है कबीरदास जी पढ़े थे नहीं दोस्तों, इन्होंने कहा था मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, यानी मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं दोस्तों, इसीलिए ये जो बोलते थे इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास दोस्तों, संपादन करते थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
अब हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में। देखिए तुलसीदास जी के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने दोस्तों रामचरितमानस की रचना की। किसकी दोस्तों? रामचरितमानस की। तो दोस्तों इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचनाएं दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, वरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी और रामलला नहचू, दोस्तों ये सभी के सभी किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक है, चलिए अगला है मोहम्मद दुगर। दोस्तों किसकी है? तो शंकराचार्य जी की। वहीं अगर बात कर लें रहिराश या फिर सोहिला या फिर नसीहत नामा किसकी है? तो गुरु नानक देव जी की। और पद्मावत, ठीक सॉरी पदावली और राग गोविंद दोस्तों किसके? तो मीरा भाई, आपको पता है मीरा भाई। ठीक है, और सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये किसकी है? तो सूरदास जी की। ये सभी के सभी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अगला 21 नंबर देखे रूप मंजरी, रस मंजरी और रास पंचाध्यायी और सुदामा चरित, ये सभी सभी किसकी हैं? तो नंददास जी की। किसकी हैं? तो नंददास जी की। अब देखे रस खान की कौन सी रचना है? तो प्रेम वाटिका दान लीला किसकी है? रस खान। किसकी? रस खान की दोस्तों, दान लीला और प्रेम वाटिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सुदामा चरित। देखिये सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास जी की। किसकी है? नरोत्तम दास जी की। और वहीं बात लें ध्यान मंजरी और रास पंचाध्यायी। क्या? ध्यान मंजरी रास पंचाध्यायी किसकी? अग्रदास जी की है। और गुसाई चरित दोस्तों किसकी है? तो बेनी माधव जी की। तुलसी चरित रघुवर दास की। और श्रृंगार रसमंडन दोस्तों किसका है? तो विठल दास जी की है। और वहीं बात कर लें भक्त नामावली या फिर रस लावनी दोस्तों किसकी है? तो ध्रुवदास जी की है। और वैष्णव मत शाब्द भास्कर या फिर श्री रामार्जुन पद्धति या राम रक्षा स्रोत योग चिंतामणि किसकी है? तो स्वामी रामानंद जी की। और देखिए केशवदास कठिन काव्य का जिनको हम प्रेत कहते हैं, इनकी है दोस्तों कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और वीर देव सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन भावनी और जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी केशवदास जी की हैं। केशवदास को क्या बोलते हैं? कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप बताइएगा कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? क्या कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला है कवित्त रत्नाकर किसकी है? तो सेनापति जी की है। और हनुमानाटक दोस्तों किसकी है? तो हृदय राम जी की है। तो ये चीज समझ गए होंगे दोस्तों बिल्कुल से। आपको बताना है कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप हमारी ई बुक परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, आपको हम लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप सीधा साइट पर जा सकते हैं और वहां से आप पैसे पेमेंट करके दोस्तों ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यह हिंदी भाषा, संपूर्ण हिंदी भाषा यानी हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी की नामकरण कैसे हुआ, हिंदी के परिवार कितने हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने भाषा हैं, हिंदी के बारे में सब कुछ दोस्तों इसमें है। इसका मूल है ₹25। और दोस्तों यह हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या आपको बता दें इसमें क्या क्या मिलेगा? तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसके अलावा सभी प्रकार के पुरस्कार जो कि आपके UPSI के लिए इंपॉर्टेंट हुए, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, सलाहकार सम्मान हो या फिर दोस्तों जो चीजें हैं, जितने पुरस्कार लगभग 8 तरीके के पुरस्कार इसमें शामिल। इसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है, सभी कवियों के उपनाम, रचनाएं, सब कुछ दोस्तों इसी में शामिल है। ये ₹50 की है। ठीक है, इसके अलावा एक सामान्य हिंदी के दोस्तों ये पत्र लेखन है, ये ₹25 की है। और एक सामान्य हिंदी की ई बुक है दोस्तों, ये आपके ₹50 की है। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो जाके दोस्तों साइट से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।